हरियाणा में नहीं, हमने पूरे देश में खेल को बढ़ावा दिया। मैं जब ओलंपिक का वाइस प्रेसिडेंट था, बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, या उसके बाद जब प्रेसिडेंट बना ओलंपिक का, तो हमने खेलों को पूरे देश में बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन आज खेलों में बहुत बड़ी राजनीतिक जो है घुसपैठ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मामले में दखलंदाजी शुरू कर दी। राजनीतिक तौर पे तो अलग अलग एजेंसियों का दुरुपयोग कर दिया, वहीं खेलों के अंदर भी इन्होंने अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी। ओलंपिक को ख़त्म कर दिया और अब कोई भी फेडरेशन अगर अपना चुनाव कराती है और उस फेडरेशन के अंदर निष्पक्ष चुनाव होता है, तो उसमें फिर रुकावट पैदा करते हैं, फिर अपनी मनमर्जी करते हैं, फिर उनको डराते हैं कि आप अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो कल को एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी हालत तो आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरी है। पाकिस्तान में सरकार जो है मिलिट्री का दुरुपयोग करती रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। आपने देखा नहीं पाकिस्तान में किस तरह से कोई भी राजनीतिक दल जो पहली दफ़ा सत्ता में होता है, कोई दूसरा दल सत्ता में आ जाता है, तो फिर पहले जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनको देश छोड़ करके भागना पड़ता है। यही हालत आज हमारे देश की, हमारे देश से अनेक बिजनेसमैन जो है, राजनीतिक लोग तो देश छोड़ करके नहीं भागे, वो तो जेलों में तो चले गए, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों में जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो डर के मारे सरकार से देश छोड़ करके विदेश में जा करके अपना कारोबार कर रहे हैं। चलो कुश्ती संघ की बात की जाए तो कुश्ती, मैं वही तो आपको बता रहा था कि ये सब जबरदस्ती है। उनके चुनाव हो गए, कोर्ट ने चुनाव करा दिए, उसके बावजूद किस चीज़ का दखल है? ऑटोनॉमस बॉडी है, ओलंपिक है और स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर कोई दखल सरकार का हो नहीं सकता। लेकिन सरकार जबरदस्ती मतलब डराती है कि आप अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो कल को कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आपको। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में भी चुनाव होंगे लोकसभा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। बात की जा रही है जैसे कि अभी चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस और आप इकट्ठे मिल रहे हैं, तो उसका कुछ होगा? पंजाब में चर्चा कहाँ से आ गई इस बात की? अभी भी आगे आप चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ कांग्रेस ने आपके साथ मेयर चुनने की बात की है। आप पार्टी का, आप और कांग्रेस का क्या संबंध है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई भी संबंध नहीं है कांग्रेस के साथ, कोई वास्ता नहीं है। तो 2024 में हरियाणा में क्या रहेगा? मैंने कहा ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। सर लगातार जिहड़ा जोश आ देश दा बाहर जा रहा, रोजगार दे मौके खत्म हो रहे हैं, केंद्र सरकार वालों भी कोई रोजगार नहीं मुहैया हो रहा, की कहेंगे? केंद्र नहीं, प्रदेश की सरकारों की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। युवा आज सारे देश का जो है वो परेशान है। आज उसके सामने मतलब अपनी स्टेट में उसको कहीं नहीं लगता कि तू कहीं सुरक्षित है, तुझे कहीं कोई रोज़गार मिले।